देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले के बाहर फंसे हुए सभी प्रवासी श्रमिकों को बस या ट्रेन के माध्यम से उनके गृह जिला लाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधायकों, सांसद प्रतिनिधियों के साथ आपदा प्रबंधन अथॉरिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिले में विगत कुछ दिनों में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों तथा जिले के बाहर फंसे हुए सभी श्रमिकों के घर आगमन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान सभी विधायक ने अपनी अपनी राय रखी। इसके अलावा कोविड-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि विगत कुछ दिनों में कोविड-19 के 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित मरीज के इलाकों के कंटेनमेंट प्लान को स्वीकृत किया गया है और इसी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार ही अग्रेतर कार्रवाई संक्रमित मरीजों के इलाकों में सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा गिरिडीह जिला के बाहर फंसे हुए श्रमिकों को उनके गृह जिला लाया जा रहा है। सभी चेक पोस्ट पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को उनके गाँव में ही बने क्वारंटाइन भवन में रखा जाएगा तथा क्वारंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों को मुखिया के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इस आलोक में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। जिले में जितने कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं वे सभी सूरत और गुजरात से आए हैं, जो कि रेड जोन वाला इलाका है। इसके अलावा उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि सरकार से अनुरोध किया गया है कि रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों पर कुछ निर्णय लिए जाएं। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डुमरी विधायक प्रतिनिधि राकेश महतो, नगर आयुक्त अनिल कुमार राय, एसी आलोक कुमार, डीडीसी मुकुंद दास, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित तथा अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन की आज एक बैठक जिला अधिकारी के कक्ष में आहूत हुई, जिसमें माननीय सांसद के प्रतिनिधि और विधायक के तौर पर हमारे अन्य साथियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के आने के बाद झारखंड में बदली हुई परिस्थितियों पर विमर्श के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गंभीर विमर्श के बाद यह विचार किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटीन या पंचायतों में, स्कूल या पंचायत भवन में जो क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए उसमें रखने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है कि उनको ये बताया जाए कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र बचाव का साधन है और विभिन्न जगहों में फंसे हुए स्टैंडर्ड जो पीपल हैं जिनको लाने के लिए लगातार विभिन्न जनप्रतिनिधियों से लोग संपर्क कर रहे हैं, उसके संबंध में भी डीसी साहब ने नोटिफिकेशन दिया कि विभिन्न ई पासेस के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए हम लोग उनको ला सकते हैं। और नगर क्षेत्र में चूँकि नगर निगम के प्रशासक भी यहाँ मौजूद थे, उपायुक्त नगर आयुक्त मौजूद थे, हम लोगों ने यह प्रयास किया कि कम से कम 15 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर कि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर, वो चाहे एसिम्प्टोमेटिक हैं चाहे सिम्प्टोमेटिक हों, दोनों ही परिस्थिति में उनको क्वारंटीन किया जा सके। कुल मिला जुला कर ये जो भी अभी कोरोना काल में आपदा के समय में जो भी तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा के लिए बैठक थी और हमको लगता है कि इस समीक्षा बैठक में तमाम लोगों के विचारों के बाद जो प्रमुख विचार निकले हैं उनका अनुपालन करने से हम लोग इस कोरोना काल में गिरिडीह को बेहतर मुकाम पर रख पाएंगे। समिति की बैठक थी और इसमें खास करके इस विषय पर ही चर्चा किए गए, जो बाहर से मजदूर आए उनको रखने के लिए होम क्वारंटाइन का आदेश सरकार का था, लेकिन होम क्वारंटाइन का कितना पालन करेंगे लोग ये हम लोगों को प्रेरित करने पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सरकार के स्तर से एक चिट्ठी आ जाती कि आप सरकारी भवनों में ऐसे लोगों को रखने की व्यवस्था करें, तो मुझे लगता है कि गिरिडीह ज़िला में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो संक्रमण का भय बना हुआ है वो समाप्त हो सकता है। फिर भी हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों ने एक बेहतर उपाय करने का प्रयास किया, पर आज विचार किए हैं और जो भी लोग प्रवासी आ रहे हैं उसको हम लोग अपने स्तर से जनप्रतिनिधि जो माननीय सभी विधायक हैं, सांसद प्रतिनिधि लोग हैं, समझाने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक दुनिया को बनाते हुए और अपने संक्रमण को आप कितना रोक सकते हैं। इसलिए आज इसी विषय गहरा विषय पर चर्चा हुआ है और ज़िले में
राशियों की कमी है, इस पर भी चर्चा की गई कि सरकार से जो आपदा में राशि दी जाए ताकि गिरिडीह जिला में जो इतने प्रवासी आए हैं उसकी सुविधा कर काम आ सके। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक की गई है, सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सभी सदस्य उपस्थित हुए थे। कुल मिलाकर बीते दिनों जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस जिले में पाए गए हैं उन सभी इलाकों के कंटेनमेंट प्लान को स्वीकृत किया गया है और इसी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार ही अग्रेतर कार्यवाहियाँ इन सभी इलाकों में की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से यहाँ लगातार लौट रहे हैं। सभी चेक पोस्ट पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। अभी बेहतर यही रहेगा कि तत्काल 10 से 12 दिनों तक सभी लोगों से मिलना जुलना कम करें और अपने ही गांव के किसी सरकारी विद्यालय में या पंचायत भवन में या किसी अन्य सरकारी भवन में ही अपने आप को रखें और इस आलोक में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आने वाले 10-12 दिनों में उनके गांव के किसी भी लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचाव काफ़ी हद तक संभव हो पाएगा। जितने भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बीते 5-6 दिनों में सभी बाहर के राज्य से, खासतौर पर सूरत से लौट कर आए हैं। सूरत जो कि एक रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट है, अतः हम लोगों ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों पर भी कुछ निर्णय लें और अगर ऐसा आवश्यकता पड़ता है तो कंटेनमेंट जोन से लोगों के आने पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। यहाँ पर हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा यही रहेगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर आते हैं उनको धनबाद, बोकारो, जसीडी, कोडरमा आदि स्टेशन पर उतारने की बजाय सीधे हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर उतारे ताकि गिरिडीह आने के बाद उनको उनके गांव पंचायत जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।